हमारे देश की महान, सर्वश्रेष्ठ लेकिन सर्वोत्तम से कहीं दूर गड्ढे में पड़ी हमारी इंडियन मीडिया, जिसे लोग कई अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई गोदी मीडिया कहता है, तो कोई दरबारी मीडिया, तो कोई चाटुकार, तो कोई नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। लेकिन हम इसे इंडियन मीडिया ही कहेंगे, भले ही पड़ोस वाली आंटी आपको चीकू पीकू कहे, या फिर कोई बाबू सोना कहे, या फिर कोई राजा बेटा बोले, लेकिन आपकी असली पहचान वही है जो आपके आधार कार्ड में है। इसलिए हम इंडियन मीडिया ही कहेंगे। और क्यों? इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है तो उसमें मीडिया की रैंकिंग इंडियन मीडिया के नाम से होती है, ना कि गोदी मीडिया या फिर किसी और नाम से। आज के इस ऑपरेशन ऑफ इंडियन मीडिया के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे मीडिया द्वारा फैलाई गई गंध के बारे में। और अगर वो गंध आपको फील होती है तो मतलब आपकी नाक अभी ठीक है, लेकिन अगर आप उसे फील नहीं कर सकते तो भैया आपकी ना इसी गंध में रहने की आदत हो चुकी है। इंडियन मीडिया, इनका हर दिन इनके पिछले दिन से बकवास होता है। हर दिन ये गड्ढे में जाते हैं और ये ऊपर देखते हुए प्लान करते हैं, इतना काफी नहीं, अभी और नीचे जाना है। और इस बार भी यही हुआ। इन दिनों एक खतरे को बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से आपको दिखाया गया। असली टक्कर हमारी होने जा रही है तूफान से, वही तूफान जिसे बिपरजॉय नाम दिया गया है। बिपरजॉय जो कि एक साइक्लोन स्टॉर्म है, और ये जो नाम बिपरजॉय आया इसे बांग्लादेश ने दिया। बांग्ला लैंग्वेज में बिपरजॉय का मतलब होता है विनाशक, डिस्ट्रॉयर। बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने, लेकिन क्यों? ये जो एरिया आप देख रहे हो उसे कहते हैं नॉर्थ इंडियन ओशियन। इस रीजन में जितने भी तूफान आते हैं उसका नाम रखने का जिम्मा यूएन के एक पैनल के पास है, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP पैनल कहा जाता है, जिसमें 13 देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। इस लिस्ट में बांग्लादेश भी है, इसलिए बिपरजॉय नाम बांग्लादेश की तरफ से दिया गया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारी मीडिया ने बिपरजॉय को कैसे कवर किया, अब आप वो देखें। पहले इन्हें सुने। नमस्कार, आपके साथ मैं श्वेता त्रिपाठी हूं, और आज सबसे पहले मैं बात करूंगी उस तूफान की जो गुजर चुका है, जिसका नाम है बिपरजॉय। कितने प्यार से बता रही हैं, बिपरजॉय। अब आगे देखें। आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे बिपरजॉय से, उस तूफान से, उन हवाओं से और उन हवाओं के असर से। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे उस तूफान से, उन हवाओं से और उन हवाओं के असर से। ये मैडम उसी तूफान को आगे समझाती हैं। आपको लगेगा कि मैडम बड़ी ही ज्ञानी और बहुत ही सीरियस टाइप हैं, लेकिन बंधु इनका एक और चेहरा है, और ये जो प्यार भरे अंदाज में बिपरजॉय को एक्सप्लेन कर रही हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तेज तूफान के बाद सुहावना मौसम। कैसे? इसे समझाने के लिए आपको लेकर चलता हूं साल 2015 में एक मूवी आई थी दृश्यम, आपने देखी होगी। उसमें एक लाइन थी, विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पंजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं बल्कि जी है। बिल्कुल इसी लाइन की तरह श्वेता जी इस तूफान की खतरनाक हवाओं के बारे में जो बता रही, दरअसल उन्होंने भी इस लाइफ को जिया है। हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने सिर्फ नौटंकी करी थी। नौटंकी मतलब एक्टिंग। बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है, और जो ये बिपरजॉय तूफान है इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवा भी है, तूफान भी है, और इतना तेज तूफान है कि पीछे स्क्रीन पर प्ले हो रहे विजुअल से हवाएं सीधे स्टूडियो के अंदर तक आ रही। श्वेता जी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही, हवा कितनी तेज है आप समझ सकते हो। हाथ में छतरी पकड़े ये कभी लेफ्ट साइड की तरफ रखा रही, तो कभी राइट साइड, कभी आगे तो कभी पीछे। और मजे की बात पता है क्या है, हवा का जो प्रेशर है वो सिर्फ श्वेता जी के ऊपर है, डायरेक्ट इनको ही टारगेट कर रही, क्योंकि छतरी भी अपनी जगह शांत है, कैमरा भी पूरी तरह स्टेबल है। एक लाइन में कहें तो एकदम कोरी नौटंकी, बगैर किसी मिलावट के। ये स्टैंडर्ड बन चुका है हमारी इंडियन मीडिया का। लेकिन यहां पर श्वेता जी के साथ मेरी थोड़ी सहानुभूति भी है। दरअसल ये जो कुछ भी होता है, जो भी परफॉर्म किया जाता है, न्यूज के नाम पर आपको बेहद घटिया एक्टिंग दिखाई जाती है। उसमें एंकर तो सिर्फ रोल प्ले करता है, स्क्रिप्ट तो चैनल की तरफ से आती है, और ऐसा लगता है कि अब न्यूज चैनल में एक पोस्ट कोरियोग्राफर की और बढ़ गई है। फिर भी श्वेता जी से एक रिक्वेस्ट, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, काम मिलता रहे इसके लिए अच्छे खासे लौंडे महिला बने घूम रहे हैं, आपने भी ये किया तो वो आप जाने आपने ऐसा क्यों किया, आपकी भी मजबूरी रही होगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगली बार जब चैनल की तरफ से इस तरह की घटिया एक्टिंग करने का प्रेशर आए तो अपना हील पहन के ये सब ना करिएगा, क्योंकि अगर आप गलती से गिर वीर गई ना तो ये जो आपसे हो रहा है ये भी नहीं हो पाएगा। और हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, साइक्लोन जैसे हाईली टेंशन वाली स्टोरी के बीच इन्होंने आपको एंटरटेन किया है, आपको भी चाहिए कि आप इन्हें धन्यवाद बोलो। गजब बेइज्जती है,
बिपरजॉय पर मीडिया ड्रामा में दूसरे नंबर पे आता है टाइम्स नाउ नवभारत। आपने अभी तक देखा होगा कि नेताजी हेलीकॉप्टर में बैठकर बाढ़ में डूबे इलाकों का दौरा करते थे, लेकिन वो रियल में बैठे होते थे। असली वाला हेलीकॉप्टर होता था, वो सच में उड़ता था। लेकिन अब इनसे मिलिए, नाम है नैना यादव, टाइम्स नाउ नवभारत की एंकर हैं और इन्होंने आपको एक कदम आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर रिपोर्टिंग करके दिखाई है। एक कदम आगे इसलिए क्योंकि अभी तक आपने बुलेट रिपोर्टिंग देखी है और वो भी असली बुलेट, लेकिन यहां आपको हेलीकॉप्टर रिपोर्टिंग दिखाई गई और वो भी नकली हेलीकॉप्टर से, स्टूडियो में बैठकर VFX की मदद से। वाकई टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए अभिशाप साबित हो रही है। खैर, आप ये देखो। और इसी के साथ टाइम्स नाउ नवभारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। रिपोर्टिंग के नाम पर अजीब ही मजाक चल रहा है। स्टूडियो में बैठकर ग्रीन स्क्रीन यूज करके हेलीकॉप्टर की सैर दिखाई जा रही और वो जो ड्रोन फुटेज दिख रहे हैं उसे पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका था, और जब दिखाना वही था तो बीच में हेलीकॉप्टर घुसाने की क्या जरूरत थी? लॉजिक क्या है इसके पीछे? न्यूज चैनल है, कोई साइंस फिक्शन मूवी का सेट नहीं। ये बात कब समझ में आएगी इन लोगों को? वैसे आप इनको क्या समझते हो कमेंट में बताओ। ये देखिए, अब आपको अब तक का सबसे बड़ा मजाक, मजाक नहीं बल्कि सबसे बड़े झूठ के बारे में बताते हैं। ये चैनल जानते हो ना, जी न्यूज, इंडिया का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, कितना वो आप जानते हो। खैर, इस चैनल के एक एंकर हैं दीपक चौरसिया, वही वाले दीपक जो रेनकोट और स्कूटी वाला हेलमेट पहनकर एस्ट्रोनॉट बने हुए थे, वही वाले जो घुटने की दवा, समझ गए ना, थोड़ी मर्यादा रखिए। इन्होंने क्या कहा पहले वो सुनो। नमस्कार, देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज। क्या बोला तूने? देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज। सबसे भरोसेमंद चैनल ना भाई, कुछ भी, कुछ भी। जी न्यूज कितना भरोसेमंद है ये तो सभी जानते हैं। हर वो भारतीय जो देश में अमन शांति चाहता है उसे मालूम है कि जी न्यूज कितना भरोसेमंद है। आइए आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। इन्हें जानते ही होंगे, नाम है जुबैर। ये आजकल गब्बर वाले डायलॉग की वजह से बड़े फेमस हैं। जब दूर दूर तक कोई फेक न्यूज फैलाता है तो उसकी अंतरात्मा उसे आवाज देती है, मत फैला नहीं तो जुबैर आ जाएगा। जी न्यूज के केस में भी जुबैर आया और इनके सबसे भरोसेमंद वाले फुग्गे की हवा निकाल दी। आप जुबैर की वेबसाइट आज न्यूज पे जाएं, वहां आपको जी न्यूज की तरफ से पब्लिश करी गई फेक न्यूज का भंडार मिलेगा, जिसमें पहला ही आर्टिकल इनके भरोसेमंद वाले दावे की हवा निकालता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा टेलर कन्हैया का ब्रूटल मर्डर, जिसमें दो लड़कों ने बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया था। उसी घटना को कोट करते हुए जी न्यूज ने खबर चला दी कि राहुल गांधी ने उन दोनों मर्डरर को बच्चा कहा, क्योंकि कुछ RW ग्रुप वालों ने यह अफवाह फैला दी थी कि राहुल गांधी कन्हैया के हत्यारों को बच्चा बता रहे। बस मानो हमारी इंडियन मीडिया को मिल गया उनका टॉपिक और हमेशा की तरह बगैर कोई मेहनत किए, बगैर उसका सच जाने न्यूज टेलीकास्ट कर दी। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। अब जुबैर की एंट्री होती है और जी न्यूज के भरोसेमंद वाले फुग्गे की हवा निकालते हुए आज न्यूज ने बताया कि राहुल गांधी ने जिन्हें बच्चा कहा है उसका कन्हैया मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं, बल्कि केरला के वायनाड में कुछ यंग लोगों ने कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी थी, राहुल गांधी उन्हें बच्चा बता रहे थे ना कि कन्हैया के कातिलों को। लेकिन फिर भी जी न्यूज ने खबर चला दी क्योंकि देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज। सबसे भरोसेमंद चैनल का एक और कर्मकांड देखें। वेबसाइट पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और आर्टिकल मिलेगा जिसमें जी न्यूज की तरफ से दावा किया जाता है कि आमिर खान ने फातिमा सना शेख से शादी कर ली, वही फातिमा सना शेख जिसने दंगल मूवी में गीता का रोल प्ले किया था। फिर से जुबैर की एंट्री और सच सामने आया, जिसमें बताया गया जी न्यूज ने जिस इमेज को आमिर और सना की शादी की इमेज बताकर शेयर करी थी, दरअसल वो डॉक्टरेट इमेज थी। साल 2010 में एक्टर इमरान खान और अवंतिका मलिक के वेडिंग सेरेमनी में इस इमेज को कैप्चर किया गया था और आमिर खान के बगल में जो लड़की है वो है अवंतिका मलिक, जिसके फेस को सना खान के फेस से रिप्लेस कर दिया गया। इस तरह और भी कई इमेज को फेक फैक्ट के साथ धड़ल्ले से शेयर किया गया। लेकिन आप दावा देखो, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज। ये है इनकी ईमानदारी, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन रियलिटी फुस होती है। वैसे आपको इनकी ईमानदारी पे कितना शक है कमेंट में बताओ। अब आप एक और वीडियो देख लें। क्या तमीज है आपको? क्या तमीज है आपको? नहीं पता, उनके साथ जाकर के प्यार में पड़ जाती है। मुझे कह रहे हैं उन लड़कियों को अकल सिखाइए जिनकी आइडेंटिटी नहीं पता और तब लव जाकर। ठीक है, आप पैसे लेकर के आप धंधा करती है ना। वीडियो में दिख रहा शख्स जिनका नाम है संगीत रागी, पेशे से प्रोफेसर हैं लेकिन फुल टाइम मीडिया पैनलिस्ट हैं, जो एक फीमेल पैनलिस्ट के लिए एक बेहद ही घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप एंकर पे गौर करें, बंदा सुकून से खड़ा है, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं इन बातों से, उसके लिए सब चंगा सही। लेकिन जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये धड़ाम से गिरते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं कि सब गोरों की चाल है, जबकि
खुद की हरकत नहीं देखते। इसीलिए कहता हूं, अगर मीडिया द्वारा फैलाई हुई गंध आपको महसूस नहीं होती तो भैया आपका दिमाग सड़ चुका है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।